Today is a very exciting day, but it is also a bit of a sad day because, I am getting a new car, which is super flippin' exciting. और अगर इसकी रोड परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी है। वैसे मुझे ऑफ रोड के लिए तो बहुत ही कमाल की ये लगी है। जी कहाँ पे कहाँ लगती है, कहाँ आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई 15 लाख की गाड़ी है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर मैं गाड़ी की बात करूँ ना, तो गाड़ी का इंटीरियर जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फाइन क्वालिटी का लगा। इससे पहले हम जो मूवीज़ में जो स्कॉर्पियो का जो पुराना मॉडल देखते हैं, जो पुलिस वालों के पास अक्सर हमें देखने को मिलता है, वो इतना ज़्यादा जो है ना इंटीरियर उसका जो है इनके फाइन नहीं लगता जितना मुझे इसका जो है देखने को मिला है। लुक है, फ्रंट लुक मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको? ये ब्लैक वाली बहुत प्यारी लग रही है। कैसी लगी गाड़ी? लुक अच्छी लगी है, आउटस्टैंडिंग है, अमेजिंग। कहाँ की लगती है? पाकिस्तान की कहाँ लगती है यार। कार है वैगनार, जो कि बिल्कुल ही नाकिस है। ठीक है, बिल्कुल सही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो कार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो आजकल अगर हम वो लेने जाएँ तो वो 22 लाख, 18 लाख, 20 लाख, इससे काम तो कोई गाड़ी है नहीं। यार ये कहाँ से ले गए हैं भाई, कौन सी जगह? ये 15 लाख में मिल रही है हमारे यहाँ। मिरान अगर विगनार की बात की जाए ना, फैमिली गाड़ी, वो भी नहीं इतने में मिल रही यार। हद तो हो गई है। चलें फिर यार, पहले ये गाड़ी तो लेके आते हैं, बाकी बातें बाद में। ले आने में पता नहीं इतने एक्सपेंस लग जाएंगे। I got a new car and it is crazy insane and I'm so overwhelmed and so happy. पाकिस्तान की कहाँ लगती है यार, पाकिस्तानियों में इतनी ईजाद आ जाती तो फिर तो मैं कहता हूँ कि कोई मसला ही नहीं था। अच्छा, क्या प्राइस होगी अंदाजन? यार क्या कह सकता हूँ, कितनी प्राइस होगी? 1 करोड़ तो होगी मैक्सिमम। 1 करोड़? कम अज़ कम सर। लेकिन इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपये है। सिर्फ 15 लाख? जी कहाँ पे कहाँ लगती है, कहाँ आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई 15 लाख की गाड़ी है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार ये कहाँ से ले गए हैं भाई, कौन सी जगह? ये 15 लाख में मिल रही है हमारे यहाँ। मिरान अगर विगनार की बात की जाए ना, फैमिली गाड़ी, वो भी नहीं इतने में मिल रही यार। हद तो हो गई है। चलें फिर यार, पहले ये गाड़ी तो लेके आते हैं, बाकी बातें बाद में। ले आने में पता नहीं इतने एक्सपेंस लग जाएंगे। सर एक मसला है कि ये गाड़ी आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की है, वहाँ से आप मंगवा नहीं सकते। वालों को कंप्रोमाइज कर लो यार, साढ़े नाल बताएं उन्हें कि कोई हमारे साथ कंप्रोमाइज कर लें। गाड़ी सर आपकी हुकूमत जो है वहाँ से गाड़ी मंगवा ही नहीं सकती ना, असल में आपकी हुकूमत की तरफ से जो है वो पाबंदी है। ऐसे ही है यार, यही है कि देख लें, हमारे पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें जो है दिन ब दिन ठाँ ठाँ बजी जा रही हैं, लेकिन इंडिया देखें दिन ब दिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से बूस्ट हुआ जा रहा है और तरक्की की तरफ जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा ब्रांड बता दे जो पाकिस्तान का अपना लोकल हो। सर कहाँ से कौन सा बताऊँ, किसी एक का भी नहीं। चोरी की हुई है, हमने कोई चीज़ चाइना से मंगवाई हुई है और कोई कहाँ से मंगाई हुई है अपनी। शायद हमारे पास अभी तक पाकिस्तान का नाम ही है जो जनाब साहब दे गए हैं, उस पर भी कीचड़ फेंकने के लिए बड़ी दुनिया
यहाँ पे अपना अपना जो है ना किरदार अदा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को इतने आसानी के साथ आप नेगेटिव नहीं कर सकते ना। मुझे ये बता दें कि ये देखें ना, ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया की गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 और इस तरह के वहाँ बहुत सारे ब्रांड है जो कि 40 से ज़्यादा है। पाकिस्तान में कोई एक ऐसा ब्रांड भी नहीं है जो पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चर की जा रही हो। क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की गाड़ियाँ हों? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी, बहुत बेहतरीन है। अग्रेसिव शक्ल है ये, जैसे कि मुझे एक कार पसंद है, रेंज रोवर जी, ठीक है, रेंज रोवर और ये, अगर इन दोनों को पास खड़ा कर दिया जाए तो अगर रेंज रोवर को दो जने देख रहे हैं तो एक जना इसको भी रुक के देखेगा लाजमी। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि ये गाड़ी आपको अच्छी लगी है जी, बिल्कुल। क्या कीमत होगी इसकी? लगभग कोई होगी 65 से कोई 85 लाख, यानी कि 85 लाख के राउंड बोर्ड आपने बताया। सर, इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपये है? नहीं, हकीकत में नहीं। नहीं सर, हकीकत में ये पाकिस्तानी 15 लाख में है या कोई दूसरी कंट्री की है? सर, ये बताएं, पाकिस्तान में आज तक कोई एक भी गाड़ी है जो 15 लाख में मिलती है जो आप पाकिस्तानी समझ रहे हैं? नहीं सर, नहीं। आप क्या समझे थे? यहाँ पे तो अगर हम देखते हैं तो एक कार है वैगन आर जो कि बिल्कुल ही नाकिस है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो कार, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो आजकल अगर हम वो लेने जाए तो वो 22 लाख 18 लाख 20 लाख, इससे कम तो कोई गाड़ी है नहीं। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने गाड़ी देखी है, गाड़ी आपको पसंद आई है, ये बताया कि कहाँ की लगती है गाड़ी? ये गाड़ी मुझे यहाँ जापान की लगती है या चाइना की लगती है। जापान या चाइना, अगर सस्ती देख रहे हैं तो फिर चाइना समझ रहे होंगे। हाँ, जी बिल्कुल। अगर आप वैसे देख रहे हैं लुक वाइज तो आप कह रहे होंगे ये जापान की है। जी जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन सर ना ये जापान की ना ये चाइना की, ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया की गाड़ी है। यार ये क्या कह दिया आपने, क्या लगता है कि इंडिया नहीं ऐसी गाड़ी बना सकता? यार बनाने को तो हर चीज़ बन जाती है, पाकिस्तान में भी बन जाती है। तो देखें सर कि वो अपनी पब्लिक की ज़िंदगी में इस किस्म की वैल्यू सेट कर रहे हैं इस किस्म की गाड़ी देके। हमारे इधर देखें कि ऑल्टो गाड़ी जो जापानी गाड़ी है वही 3 डब्बा गाड़ी को आप देखें कि प्राइस, एक फैमिली कार हो ही नहीं सकती, वो ले ही नहीं सकते मिडिल क्लास लोग, क्या कहेंगे? ये बेसिकली चोर मिले हुए हैं और ये हमारा खून जो है वो निचोड़ रहे हैं। आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, लोग साइकिल नहीं अफोर्ड कर पा रहे, मोटर बाइक नहीं। आप फ्यूल वाली जगह पर जाके देखें, लोग 100-100 रुपये का 150-150 का फ्यूल डलवाते हैं, जस्ट वो एक दिन का डिस्टेंस कवर कर लें। तो सूरत हाल तो ख़राब है, और ये गाड़ियां हमारे भी जो एलीट है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो 20 लाख की गाड़ी तो नॉर्मल से मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन अगर आप लग्जरी की किस्म की दिखाएंगे, अब देखें ना जो ऑल्टो गाड़ी है 3 डब्बा वहीं आपको 22-30-28 लाख रुपए की देंगे तो कैसे अफोर्ड होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अफोर्ड होगी। और ये जो गाड़ी ऑल्टो या इस तरह की गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे लिहाज से 5-6 लाख से ज़्यादा की नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया में जो ये ऑल्टो यहाँ पर जो 25-28 लाख रुपए की है, 3-2 लाख रुपए की इंडिया में मिलती है ये गाड़ी। और आप देखें कि अगर आप ऑल्टो पे पैसे ज़ाया करने हैं ना, तो उतने उससे कम पैसे, आधे पैसे आप जापानी गाड़ी खरीद लें 650 cc, और आप दुआएं देंगे कि यार ये अच्छा मशवरा दिया था किसी ने। तो अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान में एक गाड़ी ईट्रॉन गाड़ी है जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी ईट्रॉन, जो कि ऑडी कंपनी की 4 चूड़ियों वाली जैसे कहते हैं, अगर ये गाड़ी की लुक और उस गाड़ी के लुक में कितना फ़र्क है? मुझे तो ये ज़्यादा प्यारी लग रही है, ये ज़्यादा प्यारी थी। तो इस गाड़ी की 2 करोड़ की वो है तो ये राउंड अबाउट ये कितने की होगी? अगर वो 2 करोड़ की है तो ये भी प्यारी है, फिर तो ये करोड़ की तो होगी। कितने की? करोड़ की तो होगी। 1 करोड़ की जी। आप क्या? हाँ, अंदाज़ा यही है कि 1-1.25 करोड़ की होगी। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक अमेरिकन लड़की महिंद्रा स्कॉर्पियो की कार खरीद कर कितनी ज़्यादा खुश दिख रही है। दोस्तों, उस लड़की ने अपने वीडियो में खुद बताया कि महिंद्रा स्कॉर्पियो कार उसकी ड्रीम कार थी और वो पिछले 5 साल से यह कार खरीदने के बारे में प्लानिंग कर रही थी, और आखिर में उसने महिंद्रा स्कॉर्पियो कार खरीद कर अपनी बेटी को सरप्राइज दिया। दोस्तों, वैसे भी महिंद्रा स्कॉर्पियो ही नहीं, महिंद्रा की बाकी सभी कार भी इस वक्त पूरी दुनिया में बिक रही है। ये पहाड़ी इलाके और ऑफ रोडिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऑफ रोडिंग और पहाड़ी रास्तों के लिए पूरी दुनिया में इसके टक्कर की और कोई कार नहीं है। इसलिए ही दोस्तों, जब भी ऑफ रोडिंग की बात आती है तो सबसे पहले जो ब्रांड आता है वो महिंद्रा का ही सबसे पहले नाम लिया जाता है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कार मजबूती में किसी भी बड़ी कंपनी की कार को टक्कर देती है,
और महिंद्रा स्कॉर्पियो कीमत में भी बाकी सभी कार के मुकाबले बेहद ही कम है। ये कार सिर्फ 13 से 18 लाख रुपए के बीच में मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।